आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस के स्टार प्रचारक व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रुड़की के मंगलौर पहुंचे। बता दें कि मंगलौर में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में वोट देने की जनता से अपील की। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करने के लिए रुड़की पहुंची। रुड़की स्थित कोर कॉलेज में मैदान में आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम जन का हित आने वाली सरकार केवल बसपा ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार ने सदैव दबे कुचले लोगों का शोषण करने का काम किया है, किसान मजदूरों का शोषण भी करने का काम किया है। एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर देवभूमि शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल की दबंगई सामने आई है। बता दें कि सहसपुर के गांव आदुवाला के स्कूल देवभूमि शिक्षण संस्थान में प्रिंसिपल राजकुमार सैनी ने दबंगई दिखाई है। दबंग प्रिंसिपल ने बच्चों और उनके परिजनों को TC खराब करने की धमकी दी है। परिजनों का कहना है कि स्कूल फीस जमा ना होने पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की धमकी दी जा रही है। स्कूल के प्रबंधक बच्चों को क्लासेस भी नहीं करने दे रहा है। बता दें कि स्कूल फीस जमा न होने पर एक ही घर के 3 बालिकाएं और एक बालक का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये मामला ये है, बच्चे देवभूमि स्कूल में पढ़ते थे और करीब करीब 15 साल हो गए इनको जाते हुए स्कूल में। अच्छा, तो अब 2 साल पहले ही इनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो कभी काम नहीं कर पाने के। अच्छा, और मम्मी इनकी बीमार रहती है, हॉस्पिटल में जा रखी है आज। अच्छा, तो स्कूल से ना ही तो मास्टर TC दे रहा है और ना ही इनको कुछ मतलब साइन वगैरह कुछ करके दे रहा है। जो इनको लड़कियों को स्कूल के लिए बोला गया, इनकी मम्मी गई स्कूल में कि हमारी लड़की की TC दे दो अगर आप पढ़ा नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ना ही मैं इनको पढ़ाऊँगा ना ही इनकी TC दूँगा। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, उनके मम्मी ने हाथ पैर जोड़े उनके आगे, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने बोला मैं कोई TC नहीं देता हूँ और तुम तो यहाँ पे बात ही मत करो, तुम्हारे पति तो वैसे ही वो मतलब। मसूरी के सेंट मैरी अस्पताल में लंबे समय से OPD खोलने की मांग पूरी न होने पर राज्य आंदोलनकारी पुडर रुजाल के नेतृत्व में चुनाव का बहिष्कार किया गया। मसूरी वासियों ने बंद पड़े सेंट मैरी अस्पताल के सामने अस्पताल नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी पुडर रुजाल ने कहा कि सेंट मैरी अस्पताल को खोलने की लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन इस अस्पताल को अभी तक खोला नहीं गया। हम ये चाहते कि उसको दोबारा खोला जाए, लोगों को परेशानी हो रही है। अभी ये पिछले साल ये जो मरीज साहब नेतानी अगर ये अस्पताल होता तो वो समय रहते वो बच जाता। सरकार द्वारा ये एक इकाई के जो बंद किया जा रहा है, ये हॉस्पिटल लग रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है, इसके तय तक पहुँचने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। कदम क्या उठा रहे हैं कि अस्पताल नहीं तो चुनाव नहीं। सर, यहाँ पे हमारी जो गरीब जनता है वो परेशान हो रही है हॉस्पिटल को लेके। हमारे ये हॉस्पिटल है, ये बहुत ही सब लोगों के लिए मायने रखता है और बीच बाजार में है। बीच बाजार का हॉस्पिटल कभी बंद नहीं किया जा सकता। तुम हॉस्पिटल बंद करवा रहे हो और जहाँ देखा जाए कि होटल ही होटल खुल रहा है, होटल में एक बंदा नहीं है। आजकल काम धंधा है नहीं है। तो सर ये बताओ, अभी हमारी जो जनता है माता बहना परेशान हो रही है, लंढौर बाजार के उस इतनी दूर चल के कैसे जाएंगी, आप खुद बताइए हमें। हम वोट नहीं देंगे, हमारी कोई भी माता बहने अगर ऐसे करेंगे, कोई भी कुछ कहेगा तो हम ये वोट नहीं देंगे जब तक ये अस्पताल नहीं खुलेगा हमारा।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीडी हाट में भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कुमाऊनी भाषा में अपना संबोधन शुरू किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल के सामने डीडी हाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और कांग्रेस पर करारा हमला किया। कोरोना काल में कहीं भी जनता के बीच कांग्रेस ही नहीं दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी हमेशा रिमोट कंट्रोल से चलती है। कलियर थाना पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को 3.68 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा है। वही सुल्तानपुर में बाचूर विधानसभा क्षेत्र से आप महिला प्रत्याशी सुनीला टमटा बाजवा ने जगन्नाथपुर कनौरी में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, जिसमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस भाजपा के पिछले 21 सालों से कुशासन से त्रस्त जनता आम आदमी पार्टी के रूप में मिल रहे मजबूत विकल्प को चुनने के लिए पूरी तैयार कर चुकी है। भाजपुर की जनता ने ठान लिया है कि आगामी 14 फरवरी को झाड़ू की बटन ही दबाना है। जगन्नाथपुर कनौरी गाँव बाजपुर में झाड़ू सफाई अभियान चल रही है। क्षेत्रवासियों से मिल रहा भव्य जन समर्थन स्पष्ट जताता है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार नीतियों पर जन जन विश्वास की मुहर है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी है। वहीं रुड़की में आपकी दाल गलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश प्रिंस को जनसंपर्क के दौरान लोगों का समर्थन मिल रहा है। भले ही आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही हो, लेकिन रुड़की विधानसभा से आम पार्टी प्रत्याशी नरेश प्रिंस का चुनावी माहौल नहीं बन पा रहा है। वहीं आईआईटी रुड़की में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर एके चतुर्वेदी ने बताया कि आईआईटी रुड़की और एनआईएएच रुड़की की ओर से संयुक्त रूप से द्वितीय वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन 2 से 4 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें जल के क्षेत्र में जागरूकता पर चर्चाएं की जाएंगी। इस वाटर कॉन्क्लेव में जल संस्थान से जुड़े हुए विशेषज्ञ पहुंचेंगे और जल संस्थान पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस वाटर कॉन्क्लेव में भारत के अलावा बाहर के देशों से भी वैज्ञानिक जुड़ेंगे। ऋषिकेश में विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को जीत दिलाने के नेता प्रतिपक्ष ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आईडीपीएल के गीतमान नगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर आरोपित हुए कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास को राज्य में गति दी होती तो उन्हें 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तराखंड राज्य के अंदर मुझे कई जगह जाने का अवसर मिला और जब हमने परिवर्तन यात्रा भी प्रदेश के अंदर संचालित करने का काम किया, जिस तरीके से लोगों का प्यार सने आशीर्वाद मिल रहा है, तो उत्तराखंड के लोगों ने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। सर्वे तो जनता कराती है और ऋषिकेश नहीं बल्कि हम पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लेगा। कहाँ पे पीछे कहाँ पीछे हैं? अक्षय कुमार के आने से वोट मिलेंगे या भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं देश के प्रधानमंत्री जी, उनके कहने से वोट मिलेंगे? लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों का खाका तैयार कर निर्दलीय पवन चौहान ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने 19 बिंदुओं पर अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बिंदुखता को राजस्व गांव बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालकुआं नगर पंचायत का सीमा विस्तार और लालकुआं वासियों को मालिकान हक और विकास कार्य को अंजाम दिया जाएगा।
देखिए, हमने बहुत सोच समझकर मैनिफेस्टो पर काम किया है। हमारी पूरी टीम लगी थी, हमारी पूरी टीम ने हमारे कुलदीप जोशी जी आदरणीय, राणा जी आदरणीय, हमारे भूपेंद्र मेहरा जी, कनवाल जी, सब लोगों ने मिलकर के इसमें, नरेश चौधरी जी ने, सब ने मिलकर के इसको तैयार किया है। और मैनिफेस्टो में हमने विशेष ध्यान रखा कि इस विधानसभा को, जब हमने वायदा किया कि हम इसका विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे, तो उसी आधार पर मैनिफेस्टो हमने जारी किया है। हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो अहम मुद्दे यहाँ आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिंदुगत राजस्थान को लेकर, ये अहम मुद्दे हैं, इसको प्रकाश, ये हमारी प्राथमिकता में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के खेल के लिए हमने वायदा किया, हम 2 स्टेडियम जरूर हर हाल में बनवाएंगे। लालकुआ का बाईपास हम बनवाएंगे। हमने सीमा विस्तार की बात की है नगर पालिका की। हमने राजस्व गाँव के लिए बिंदु खत्ता को लेकर के मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात की है। हमने शेर नाला पुल बनाने की बात की है। हमने हाथियों का जो नुकसान किसानों का हो रहा है उसको रोकने का हमने सारी वायदे किए हैं, जिनको हम पूरा करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यटक राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआ पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन बिष्ट द्वारा समाज सेवी कार्यों की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि लालकुआ विधानसभा की जनता हरीश रावत को हरा कर एक इतिहास रचने जा रही है। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। हमारे उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट जी, यहाँ घर घर में लोग उनको जानते हैं। अगर कोई घर में किसी की गमी हो गई, दुख हो गया, कष्ट हो गया, तो मोहन सिंह बिष्ट जी मिलते हैं। अगर घाट जाना हो तो मोहन सिंह बिष्ट जी घाट पर मिलते हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो मोहन सिंह बिष्ट जी डॉक्टर्स से डिस्कशन करते हुए और उसको सुविधा दिलाने में हर समय मिलते हैं। अगर किसी का एडमिशन कराना हो तो मोहन सिंह बिष्ट जी वहाँ मिलते हैं। एक जनप्रतिनिधि को जैसा होना चाहिए वैसे गुण आप में पहले से ही हैं। खबर कलियर से है, जहां पर विधानसभा पिरान कलियर के गांव धरोना में भाजपा प्रत्याशी मनीष कुमार सैनी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि आने वाली 14 फरवरी को कमल खिलाने का काम करें। और कुछ ग्रामीणों ने भाजपा की भी ज्वाइनिंग की है। साथ ही कहा है कि इस बार विधानसभा पिरान कलियर में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कलियर विधानसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय मुनीर जी, उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। आप देख भी रहे होंगे, प्रत्येक गांव में जितनी भी विधानसभा में हमारे गांव आते हैं, हर घर जा रहे हैं, हर घर में हर व्यक्ति से मिलके जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, धामी सरकार की योजनाएं हैं, सबका लाभ उन्हें बताया जा रहा है। और हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो हमने अब तक कार्य किए हैं। आज धनोरा में, धनोरी में उनका जनसंपर्क अभियान था। भाई साहब यहाँ पे आए और प्रत्येक गांव में, मतलब प्रत्येक घर में जनसंपर्क किया गया, सभी लोगों से मिला गया और जनता का अपूर्ण सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।